गुजराती दाल। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ ऐशा और आज हम बनाने वाले हैं गुजराती दाल। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप कच्ची मूंगफली, दो बड़े चम्मच कसा हुआ गुड़, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, एक बड़ी चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 से 3 कोकम, 5 से 6 कड़ी पत्ते, 2 कप उबली हुई तुअर दाल, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच घी, 1 नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक नॉन स्टिक पैन में हम पहले घी गरम करेंगे। अब हम बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए पहले डालेंगे राई। जैसे ही राई फूटने लगे इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा मेथी दाना, चुटकी हींग, अदरक 2 से 3 कोकम, कड़ी पत्ते और टमाटर। इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इन टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कच्चे मूंगफली, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे गुड़, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे तूर दाल और तकरीबन आधा कप पानी। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। दाल हमारी हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गुजराती दाल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करें।